गुड मॉर्निंग किड्स, आई एम हीना शर्मा फ्रॉम JOGS एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी का भी अभी तक हमने हिंदी ग्रामर पढ़ी थी, आज हम हिंदी टेक्स्ट बुक जो आपकी है ये वाली सुधा, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट है इसका सीखो, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आप भी अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ में आप भी रिपीट करते जाइए और सीखते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, इस लाइन का मतलब क्या होगा? जो फूल होते हैं उनसे हमेशा क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए। नित का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन, हमेशा। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से रोज़ क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखो। भौरों से नित गाना, और जो भंवरे होते हैं फूलों के ऊपर उनसे क्या सीखना चाहिए? नित गाना, रोज़ गाना सीखना चाहिए। फल से लदी डालियों से, जो लदी डालियां होती है ना जिस पर फल लगे होते हैं, उनसे रोज़ाना क्या सीखना है? सीखो शीश झुकाना। उनसे क्या सीखना है? शीश झुकाना, कि कैसे दूसरों के सामने शीश झुका के खड़े रहते हैं, वो सीखना है। अगेन देखते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से क्या सीखना है? प्रतिदिन हंसना सीखना है। भौरों से नित गाना सीखो, जो भंवरे होते हैं उनसे नित गाना सीखना है, यानी रोज़ गाना सीखना है। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, और जो फल से लदी डालियां हैं जिनके ऊपर बहुत सारे फल हैं उनसे प्रतिदिन क्या सीखना है? शीश को कैसे झुकाते हैं, मतलब हम लोग किसी चीज़ को दे रहे हैं किसी और इंसान को, फिर भी वो जो फल की लदी डालियां हैं वो शीश झुकाती हैं, उनसे क्या सीखना है? शीश झुकाना। नेक्स्ट, सीख हवा के झोंकों से लो, और जो हवा के झोंके होते हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कोमल कोमल बहना। कोमल कोमल कैसे बहते हैं ये हमें सीखना है हवा के झोंके से, कि धीरे धीरे कैसे बहते हैं। दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना, और दूध और पानी से हमें क्या सीखना चाहिए? कि कैसे एक दूसरे के साथ मेल जोल से रहते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो, हवा के झोंकों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? कोमल कोमल बहना। दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना, और दूध और पानी से हमें क्या सीखना है? कि किस टाइप से हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो आज हम ये दो पैराग्राफ ही कंप्लीट किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ जो दोनों हैं इनके अर्थ अच्छे से समझने हैं, और आपकी वर्कशीट में जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं। सो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।